Assalamualaikum guys, how are you all? This is me Wahab and you're watching for the stocks with Wahab. So हमने जो है वो chapter 2 जो scalar vector की topics पढ़े हैं, मैंने upload की हैं videos उसमें. ये video जो कि मैं पहले upload नहीं कर सका था, तो remaining video है उसका एक part है जो कि basically आपका इस property का proof है जो कि associative या distributive property भी कहते हैं इसको. a dot b plus c equal to a dot b प्लस ए डॉट सी. अच्छा, और करके इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि बी डॉट ए प्लस सी इक्वल टू बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी. मेथड सेम रहेगा, बस आपने जो वेक्टर के नेम्स हैं उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. एक मेथड से आपको करा देते हैं, आप बाकी दूसरा खुद कर सकते हैं. अच्छा, इसके जो नोट्स हैं, जो इसके नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं पीडीएफ में भी और एफबी के ऊपर पिक्चर में भी अवेलेबल हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दूं देता हूं मैं, तो आप उससे जाके उस पिक्चर फॉर्म को ले सकते हैं या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो मैं आपको यहां पे मेन मेन तरीका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, वो समझा देता हूँ. अदरवाइज़ प्रॉपर डेरिवेशन नोट्स में मौजूद होती है. इसमें करना ये होता है कि हम जो है वो तीन वेक्टर एसोसिएटिव, जब नाम आता है ना एसोसिएटिव एसोसिएटिव, तो आपके जहन में ये आ जाए कि भाई आपके पास तीन वेक्टर्स हैं. ठीक है भाई. अच्छा, अब क्या होता है उसमें, एक वेक्टर हम ए ले लेते हैं इस तरह से रैंडम डायरेक्शंस में. अमूमन ए वेक्टर को जिस, यानी जो पहला वाला वेक्टर होता है उसको अमूमन एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, यानी ए वेक्टर, और बाकी के दो वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में, जो कि आसानी के लिए हम इस तरह ले लेते हैं. ठीक है, एक वेक्टर बी ले लेते हैं और एक वेक्टर सी ले लेते हैं. किसी और तरह से भी हो सकेगा, लेकिन जो चीज़ आसान है हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, बेहतर होता है. क्या करते हैं, पहला तरीका हमारा ये होता है कि आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है. ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि पहले वेक्टर बी और सी आपस में जमा हो रहे हैं. जब ये जमा होंगे तो इनके नतीजे में जो एक नया वेक्टर आएगा ना, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा वेक्टर ए से. या फिर इनके नतीजे में अगर आप ये वाला सॉल्व कर रहे हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा बी से. तो वही करते हैं हम, क्या कि हम एक वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और हम क्या करते हैं कि वेक्टर बी में वेक्टर सी को जमा कर देते हैं, इस तरह इनको ऐड कर देते हैं बाय हेड टू टेल रूल. यानी कैसे कि आप वेक्टर बी को, वेक्टर बी जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए के साथ है, आपने उसको इसके ऊपर ऐसे प्लेस किया. अभी आप इसको इस पर ऐड नहीं कर रहे हैं, याद रखें, बस आपने इसको जस्ट प्लेस किया है. आपने क्या करना है, वेक्टर बी का जो हेड है उसकी हेड पे वेक्टर सी का टेल रख देना है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में उठा के इसको ड्रैग करके यहाँ लगा देना है इस तरह से. ये वेक्टर सी हो जाएगा आपका. यानी आपने पहले वेक्टर बी पे वेक्टर सी को ऐड करना है एंड देन इनको ज्वाइन कर देना है इस तरह से. तो ये जो वेक्टर आएगा आपके पास, ये वेक्टर होगा आर, जो कि होगा बी प्लस सी. सही. अच्छा, फिर करना क्या है कि आपने इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल, यानी कि सॉरी, इसके पैरेलल ये वाला वेक्टर ऐसे उठ के इधर आ जाएगा और ये वाला वेक्टर एज इट इज पैरेलल इधर आ जाएगा. यानी आप इस वेक्टर के इसका पैरेलल बनाएं इस तरह, इस पर पुट करें ऐसे. ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर डायग्राम भी बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाती है. अच्छा, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दें तो ये ऐसे आ जाएगा. इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ वेरी आई थिंक अगली, इतना प्यारा नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, जो कि हमें थोड़ा और प्रॉपर बनाना चाहिए, नोट्स में आपको प्रॉपर इसकी शेप मिल जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब देखें होता क्या है कि हम एग्जैक्टली इसको उठा के इसके पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इसको मुझे इस तरह से करना चाहिए था, ऐसे करके इस तरह से. ठीक है, और तो ये थोड़ी और प्रॉपर शेप हमारी इस तरह से बन जाती बाहर. ठीक है, यह है कि मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड में कहीं और बना देता हूँ इधर. ठीक है, तो जैसे कि ये आपका वेक्टर ए, उस पर आपने क्या करा, ये वेक्टर बी ऐड करा और ये वेक्टर सी ऐड करा. ठीक है, और सी के पैरेलल आपने ऐसे ही क्या बना दिया, वेक्टर सी बना दिया, और इसके पैरेलल आपने ऐसे ही क्या बना दिया, वेक्टर बी बना दिया. तो ये थोड़ा बहुत बेहतर और पहले से बेहतर बना. ठीक है, बारह. अच्छा, अब क्या होगा, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव अ पैरेललोग्राम. अब आप इनको इस तरह, जब आप इनको जोड़ते हैं तो ये आपको मिल जाता है आर वेक्टर, जो कि बराबर होता है बी प्लस सी के. ठीक है,
अच्छा फिर करना क्या होता है, सारे स्टेप्स मेंशन है नोट्स में। अब आपने करना ये होता है कि आपने वेक्टर सी जो होता है ना उसके टेल से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है इस तरह, यानी कि ये जो वेक्टर सी की नहीं कहूँगा इसको मैं वेक्टर आर कहूँगा। बेसिकली ये वाला वेक्टर कौन सा वाला वेक्टर है, ये वेक्टर आर है, इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। सिमिलरली वेक्टर सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे। अच्छा अब जहाँ ये ड्रॉप होगा वो जो पार्ट होगा इतना सा, ये जो पार्ट है ये बेसिकली उस ही वेक्टर की प्रोजेक्शन कहलाएगी सी ए, या आप इसको ओ सी ए कह सकते हैं क्योंकि ये ओरिजिन ओ का पॉइंट है। ये सी का वेक्टर, ये वाला पार्ट वेक्टर सी का प्रोजेक्शन है, शेडो है, क्या है, प्रोजेक्शन, यहां लिख देते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑनटू ए या ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है भाई। सिमिलरली यहां से जब आपने ड्रॉप किया तो ये इतना बड़ा पार्ट जो आ रहा है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ओ से लेके ये वाला, अच्छा ये वाला पॉइंट जो था इसको तो आप नाम दे सकते थे सी ए का। सिमिलरली ये वाला पॉइंट होगा आर ए, आर ए क्यों, क्योंकि ये कौन सा वाले वैक्टर से ड्रॉप हुआ, वैक्टर आर से ड्रॉप हुआ, तो लिहाजा यहाँ इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर ए, विच इज वॉट, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए। तो लिहाजा अब आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक को ओ सी ए कहा जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे सी ए आर ए, क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको सी ए आर ए, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे ओ सी ए, और अगर आप इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये बन जाएगा ओ सी ए प्लस सी ए आर ए, इनको जमा कर देंगे तो आपको ओ आर ए मिल जाएगा। इस प्रोजेक्शन की कॉन्सेप्ट को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या किया जाएगा कि आपने करना क्या है, जो वैक्टर ए है उसका आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे वैक्टर आर से, सही। अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट लेते हैं तो वो उसको हम इस तरह प्रोजेक्शन की कॉन्सेप्ट में ऐसे लिख सकते हैं लाइक ए और ओ आर ए, यानी जो पहला वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ जाए प्रोडक्ट में और उसके साथ प्रोडक्ट में दूसरे वाले वैक्टर का प्रोजेक्शन आ जाए उस पहले वाले वैक्टर की डायरेक्शन में। जैसे आप इसको यूं भी लिखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी ए, या फिर आप इसको यूँ भी लिखते हैं बी डॉट ए इक्वल टू बी ए बी। तो याद रखें जो भी पहला वाला वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, दूसरे वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन आ जाता है पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में। तो उसको इस तरह लिख दिया, अब यहाँ पे ओ आ रही क्यों, क्योंकि उसका स्टार्टिंग ओ से हुआ था, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने क्या करा है, ओ आर ए को ब्रेक किया है ओ सी ए में और सी ए आर ए में, है ना, ऐसे ब्रेक किया। यहाँ पे देखें आपने इस जो आपने इसको ब्रेक किया है ओ से लेके आर ए को ब्रेक किया है ओ सी ए में और सी ए आर ए में। अब फिर आपने क्या करा है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। तो ये रहेगा ओ सी ए प्लस ए सी ए आर ए। अच्छा नाउ आप बताएंगे वेयर ओ सी ए इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, व्हाइल व्हाट इज सी ए आर ए, सी ए आर ए इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, अब बताएं मुझे कौन सा वाला वेक्टर, सी ए आर ए, और कर रहे हैं यहां पे सी ए से आर ए, इसको ऐसे ही उठाएं ऊपर लेके जाएं और देखें ये किसकी प्रोजेक्शन को शो कर रहा है, ये इस वेक्टर बी की प्रोजेक्शन को शो कर रहा है। सो लिहाजा सी ए आर इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है भाई। अब इसका मतलब यह है आपको पता चल गया है कि ये प्रोजेक्शंस हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। सो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि एज ए बी ए बराबर होता है ए डॉट बी के,
है ना। अगर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हो ए सी ए, तो वो बराबर होता है ए डॉट सी के, बिल्कुल ऐसे होता है। अगर लिखा हुआ हो सी ए सी, तो वो बराबर होता है सी डॉट ए के। तो इसी तरह सिमिलरली क्या होगा, ये जो हमारा ए डॉट आर है, अगर आप इसको कोई नाम दे दें इक्वेशन वन का, तो सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर वन है वो क्या बन जाएगी हमारी, ए डॉट आर इक्वल्स टू ओ सॉरी ए ए ओ सी। अब ए क्या है, वेक्टर ए, यानी ये अपनी वेक्टर फॉर्म में आ जाए, और ओ सी ए वेक्टर सी की प्रोजेक्शन है, तो वेक्टर सी अपनी वेक्टर फॉर्म में आ जाए और हम इसको रिप्लेस कर देंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो ये आपको आ जाएगा ए डॉट सी प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका ए और सी है, अब ये अपने वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा और ये अपने वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर है वेक्टर बी वेक्टर, इसकी भी हमने बात करी है। तो ये जाएगा ए डॉट बी। अब आपको पता है कि जो वेक्टर आर है, ये किसको प्लस करके आया था, किसको ऐड करके आया था, वेक्टर बी और वेक्टर सी को। तो लिहाजा ये हो जाएगा ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी। अच्छा ये तो प्लस का ऑर्डर है ना, आप इस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये जाएगा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या इसको लॉ कह सकते हैं, फॉर डॉट प्रोडक्ट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच।